Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब. मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, मराठी हूँ. यदि आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो स्क्रीन पे कहीं आ रहा होगा. भाई ये लो बेड में बढ़िया बताइए ना. अभी तो सबसे ज्यादा जो हवा चल रही है वो उराल स्टेट मेडिकल की चल रही है. यदि आपको उसका फी स्ट्रक्चर चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. उराल स्टेट मेडिकल बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन चल रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ इस सिटी एकत्रिमबर्ग जो सिटी है वो फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है शायद रशिया की. एंड इट्स अ वेरी डेवलप सिटी. हॉस्टल भी अच्छे है, लोकेशन अच्छा है, फी भी कम है. सिर्फ 260,000 ट्यूशन फी है, 12,000 हॉस्टल फी है. ऑफिशियल कंसल्टेंसी है उसका. यदि आपको नंबर चाहिए यू कैन मैसेज मी, मैं आई विल हेल्प यू विद द एडमिशंस ऑल्सो. मैं उनका नंबर दे दूंगा. उराल स्टेट मेडिकल. लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये बोलना है कि भैया बैच पास आउट नहीं है, ऐसा ऐसा कि होता किसी कुछ. जब मैं भी आवेदन में आया था तभी जस्ट बैच पास आउट होता है, शायद उसके अगले साल बैच पास आउट होता है पहला. तो होता है किसी किसी को भैया बैच पास आउट नहीं, ऐसा ऐसा. तो आप और एक यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, उसका नाम है क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का लगभग आपको वीजा, मेडिकल और हॉस्टल मिला के लगभग 3,10,000 पड़ता है. ठीक है, उसका जो ट्यूशन फी है अराउंड 2,80,000 के आसपास है. फिर वीजा, मेडिकल और हॉस्टल मिला के 3,10,000. तो आपको पूरा मतलब ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, वीज़ा, मेडिकल मिला के 3,10,000 रुपये पड़ते हैं. इंडियन रुपीज़ में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2,80,000-2,90,000 के आसपास होता है. ये यूनिवर्सिटी के बैज, इससे बैज भी पास आउट है. लोकेशन बहुत अच्छा है, जिसको ठंड से बहुत ही तकलीफ के बाद ठंड चाहिए नहीं, जिसको गोवा जैसा वातावरण चाहिए, क्यूबान स्टेट मेडिकल बहुत ही सुंदर जगह. इट्स वेरी ब्यूटीफुल सिटी. हॉस्टल इसकी खास बात है क्योंकि यहाँ पे 2 and 3 seater ऑप्शन ही अवेलेबल है. यहाँ 4 लोग रहते नहीं है, या तो यहाँ आपको 2 seater मिल जाएगा तो 3 seater मिल जाएगा. उराल क्यूबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ज़्यादा एडमिशन लेता नहीं है. हर साल सिर्फ 100 लोगों का इंटेक होता है, सिर्फ 100 students ही वहाँ लिए जाते हैं एवरी ईयर. इंडियन स्टूडेंट के लिए सिर्फ 100 का ही कोटा है. दिस यूनिवर्सिटी यू कैन रियली कंसीडर, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. एक आपको दिक्कत हो सकती है, इसमें मेस नहीं है. आपको यदि मेस फैसिलिटी चाहिए आपको क्यूबान स्टेट मेडिकल में यू वोंट गेट मेस. ठीक है, जहाँ जहाँ आपको लिमिटेड इंटेक मिलेगा लाइक 60 बच्चों का 100 बच्चों का वहाँ मेस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ मैच चलाना पड़ेगा नहीं. क्योंकि 100 बच्चों के लिए आप मैच चलाएंगे डिजन वो इतना अफोर्डेबल नहीं होता. 250-300 के लिए जब आप मैच चलाते हो तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है. तो यहाँ पे आपको जैसे फॉरेस्ट फेडरल हो गई 60, मतलब वहाँ पे सीट्स कम है तो वहाँ पे आपको मैच नहीं मिलेगा. कजान फेडरल यू नो यू नॉट गेट इंडियन मैच, इंडियन फूड नहीं मिलेगा. क्यूबान स्टेट मेडिकल 100 seats, इंडियन मैच नहीं मिलेगा. दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ चंगा सी. बहुत ही बढ़िया कॉलेज है. यदि आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए यू कैन मैसेज मी. सिटी परफेक्ट, हॉस्टल परफेक्ट, बैच पास आउट है. बजट भी लगभग 3,10,000 रुपये में आपका सब कुछ हो जाएगा. खाना मतलब ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ, वीज़ा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक, सब कुछ. बाकी यू कैन रियली कंसीडर दैट. अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए, इसका फीस स्ट्रक्चर चाहिए, इसमें एडमिशन लेना है, यू कैन डीएम मी ऑन व्हाट्सएप. व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आई हेल्प यू. मैं आपको किसी कंसल्टेंसी का नंबर जो जेन्युइन है इसके लिए उनको दे दूंगा. आप उनसे डायरेक्ट बात करिए, आपके हर स्टेट में उनका ऑफिस आपको मिल जाएगा 100%. ठीक है, मैं आपको जो भी आपके नज़दीकी पास का जो होगा उनका नंबर दे दूंगा जो कि ट्रस्टेड होगा. बाकी यदि आप मेरा सजेशन सुनना है तो सुनिए, नहीं तो ना सुनिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जो सुनेगा उसका अच्छा ही होगा. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. गॉड ब्लेस यू एंड धन्यवाद. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए.